अनहद में रम जाई भाई संतो अनि देश राना। मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक शहर जबलपुर, जबलपुर यानी हिंदी के विशिष्ट लेखक हरिशंकर परसाई का शहर। आप इस शहर के किसी कोने किसी भी हिस्से में हों, लगभग हर व्यक्ति परसाई जी को जरूर जानता है। हालांकि परसाई जी का जन्म होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में 22 अगस्त 1924 को हुआ था, लेकिन बचपन ही से वे जबलपुर में हैं। आज जबकि ये शहर बिल्कुल बदल गया है, लेकिन परसाई जी अपनी पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता से उसी लड़ाई में शामिल हैं जो एक लेखक के रूप में 45 बरस पहले उन्होंने इसी शहर से शुरू की थी, और व्यक्ति के रूप में शायद बचपन ही से। कि मेरे पिता लकड़ी का कोयला बनाने का धंधा करते थे। जिस गांव के पास जंगल लिया उसी गांव में बस गए। वहाँ स्कूल ना होता था, कोई 3-4-5 किलोमीटर पे स्कूल होता था। तो एक नौकर जो गौंड ज़्यादा थे वो मुझे कंधे बिठा के स्कूल ले आता था। दिन भर वहाँ बैठता था, फिर कंधे बिठा करके और घर लाता था। तो मेरी एजुकेशन शुरू जो हुई वो कंधे पर हुई। हमें बहुत घूमा हूँ नर्मदा कछार, जहाँ जहाँ भी रहा हूँ वहाँ से नर्मदा पास भी रही है। और एक जगह तो मैंने लिखा भी है कि मैं नर्मदा पुत्र हूँ, क्योंकि मेरी माँ नर्मदा किनारे की थी। और जो मेरा लगाव नर्मदा के प्रति है वो भी एक कारण है, जिस कारण कि मैं अटैचमेंट फील करता हूँ नर्मदा के प्रति। और एक बार स्टेशन पर आए थे एक दोस्त के साथ, घर में कह के कुछ नहीं आए, पास के स्टेशन था, वहाँ शहर था, वहाँ अछूत कन्या फिल्म चल रही थी। हम लोग गाड़ी में बैठ गए और चले गए। अछूत कन्या रात को देख के सुबह लौटे तो घर में पिटाई हुई और खूब डांट पड़ी। और संघर्ष तो भैया ने बहुत ज़्यादा किए हैं, बहुत ज़्यादा किए। अब एक बहन एक छोटी उम्र में विधवा हो जाती है तो उसी का दुख बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा दुख था। फिर उसके 4 बच्चे हैं, सबसे छोटी जो बिटिया भी यहाँ बैठी ये 8-9 महीने की थी, इतनी छोटी। तो उनको उसी तरह सही पिता जैसे पालना पोसना, बराबर उनकी जिद पूरी करना, समझाना उनको। और डरते भी थे बच्चे भैया से, बहुत डरते थे, हालांकि कभी नहीं मारते थे। परसाई जी की जिंदगी अभावों, विपदाओं और जिम्मेदारियों का संघर्ष और स्वाभिमान से मुकाबला करती कब उनके भीतर एक लेखक को जन्म दे बैठी ये उन्हें भी नहीं मालूम, लेकिन उनका पक्का यकीन है कि साहित्य के मूल्य जीवन के मूल्यों से ही बनते हैं। शायद यही वजह है कि परसाई जी व्यंग को एक माखौल या उपहास न मानकर एक गंभीर विधा मानते हैं। मुझे लगता है कि परसाई को प्रेमचंद से वह दर्द से बुझी हुई व्यंगात्मक मुस्कान मिली थी, इसीलिए परसाई औसत व्यंग लेखकों से अलग हैं। उस व्यंग में उन लोगों के लिए करुणा है जिन्हें वे समाज में सबसे दलित, शोषित, पीड़ित और उपेक्षित समझते हैं। इसलिए परसाई के व्यंगों की ये पहचान है कि कहाँ किसे वो करुणा देते हैं और किन लोगों पर परसाई को गुस्सा आता है, किन लोगों के खिलाफ नफरत पैदा होती है। प्रेमचंद की विरासत से एक और चीज़ परसाई ने ली और विकसित किया, और वो हिंदी साहित्य में सस्ती भावुकता बहुत है। परसाई जैसे आम समाज में फैली हुई उस भावुकता को तोड़ते हैं। करीब करीब परसाई ने वही काम किया जो पश्चिम में फासिज्म के खिलाफ लड़ते हुए ब्रेस्ट ने किया था। लोग अलग होकर के समाज की सच्चाई को देख सकें, जिसको एलिनेशन इफेक्ट कहते हैं। सवाल ये कि इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर गए क्यों? एक टूरिस्ट की हैसियत से
किसी फरार अपराधी को पकड़ने या फिर भारत सरकार के कल्चरल एक्सचेंज के कोटे में। बहरहाल हजारों मामलों के सफल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इंस्पेक्टर मातादीन को चांद पर वहां की पुलिस को एजुकेट करने यानी शिक्षित करने के लिए भेजा गया। अच्छा एमडी साहब, जरा ये बताइए कि कोई ऐसी दिलचस्प घटना हो जो आपको याद हो, जिसका आप जिक्र करना चाहें। घटना दुर्घटना तो इतना है कि 155 एपिसोड का सीरियल बन जाए आपका। चलिए आपको एक दिलचस्प घटना सुनाते हैं। हुआ यूं कि ई कत्ल का केस है, कत्ल का केस में एविडेंस पक्का होना चाहिए। चलिए नमूना के तौर पर हम इस केस का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आप लोग देखिए और सीखिए। मातादीन जी, पहले कातिल का पता लगाया जाएगा, तभी तो एविडेंस इकट्ठा की जाएगी। उल्टा मत चलिए, सबसे पहले सबूत ढूंढिए, देखिए क्या कहीं खून मिला है किसी के कपड़ा पर या कहीं। ई के हो, मारने वाले तो भाग गए थे, मृतक सड़क किनारे बेहोश पड़ा था, यही भला आदमी उसे उठाकर अस्पताल ले गया था सरकार। ई का हो, मृतक का खून बेचारे के कपड़ों पर लग गया। फौरन गिरफ्तार करो इसे। पर इसने तो मरते हुए आदमी की मदद की थी। वो तो सब ठीक है, पर खून के दाग ढूंढने और कहां जाओगे? अरे जो सबूत मिल रहा है उसे तो कब्जा में करो। लेकिन सरकार, मैंने तो उस आदमी को अस्पताल पहुंचाया था, सब मेरा क्या कसूर है? पर तुम झगड़े की जगह गए क्यों? सरकार मैं झगड़े की जगह नहीं गया, वहां मेरा मकान है, झगड़ा मेरे मकान के सामने। अरे मकान है तो ठीक है, पर हम पूछते हैं कि झगड़े की जगह जाना ही क्यों? सर मेरा मकान है। चुप, मकान है वहां, तू मकान से बाहर निकला क्यों बे? ले जाओ इसे। मैं तो ये मानता हूं कि साहित्य जीवन की, व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की आलोचना होता है, तो जीवन की आलोचना के लिए मैंने अच्छा, सबसे अच्छा जो तरीका है वो व्यंग ही समझा और उसी को अपनाया। मेरी प्रकृति में भी व्यंग है, मैं बातचीत में ही व्यंग करता चलता हूँ, इस कारण से ही मैंने उसको ले लिया। दूसरा कारण असल में ये है कि व्यंग प्रभावशाली बहुत होता है, ये नई चीज़ नहीं है, साहित्य शास्त्र में हास्यरस है एक, लेकिन वो सिर्फ हंसी लाने के लिए है। और कई और हैं, वक्रोक्ति है, ब्याज निंदा है, ब्याज स्तुति है, उपहास हैं, कई हैं। व्यंग में क्या है कि बात को इस तरह से कहा जाता है कि वो सरल सीधी नहीं लगती वक्तव्य सरीखी, बल्कि वो एक वक्रता लिए हुए होती है और वो चेतना पर सीधे चोट करती है। एक तो FIR भरवा दीजिए, बकर जरूरत के लिए जगह खाली छुड़वा दीजिएगा। गुरुदेव, हमारी तो आफत आ जाएगी, चंद्रलोक में ऐसा काम कभी नहीं हुआ, वो आदमी निर्दोष है, अरे उसे तो इनाम मिलना चाहिए था। गुरुदेव, हमारी पुलिस की बदनामी होगी और हमें बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़े। घबराइए मत, शुरू शुरू में इस काम में हर आदमी को शर्म आती है, बाद में सब ठीक हो जाता है। देखिए हमारे पास हर बात का जवाब है, हम कह देंगे कि हम जानते हैं कि वो निर्दोष है, पर हम क्या करें, ये सब ऊपर से हो रहा है। तो वो SP के पास जाएंगे। अरे तो SPU कह देंगे ये सब ऊपर से हो रहा है। तब वो जरूर IG के पास शिकायत लेकर जाएंगे। तो भैया IGU कह देंगे हम क्या करें, ये सब ऊपर से हो रहा है। तब वो हमारे पास आएंगे। अरे तो पुलिस मंत्री जी आप भी कह दीजिएगा कि हम क्या करें, ये सब ऊपर से हो रहा है। तब वो जरूर प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। प्रधानमंत्री कह देंगे कि ये सब ऊपर से हो रहा है, हम क्या करें। तब वो किसके पास जाएंगे? भगवान जी के पास ना, पर भगवान के पास से पूछ कर कोई लौटा है आज तक? एक मुहावरा है, ये सब ऊपर से हो रहा है, हमारे देश में पिछले 50 साल से ही सरकार को बचा रहा है, आप भी इसे सीख लीजिए। और व्यंग में विशेषता यह है, जो मैं समझता हूं या मैंने जिसे माना, कि सामाजिक सरोकार इसका होना चाहिए। सामाजिक सरोकार के बिना
व्यंग सार्थक नहीं होगा। एक तो यह कि आजाद हिंदुस्तान में राजनीतिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर इतनी इतनी तरह की असंगतियां दिखाई पड़ी और कथनी करनी में फर्क, कहने के लिए लोकतंत्र है लेकिन आम जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में तानाशाही है। हम लोग रामधुन गाते हैं और व्यवहार में देखें तो वही धर्म नफरत फैलाता है। इस तरह की असंगतियों के लिए परसाई ने उन तीखे व्यंगों का सहारा लिया। मुझे नहीं मालूम कि किसी ने अपने लेखों, कालमों या छोटी छोटी कहानियों के जरिए एक इतनी भरी पूरी दुनिया रची हो जो लगभग पूरे हिंदुस्तान को समेट लेती हो। व्यंग्य और करुणा का इतना मिला जुला रूप, करुणा कॉमन आदमी के लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए, और व्यंग्य उनके लिए जो सत्ता में है, जो शक्ति में है, जो भ्रष्टाचार और अन्याय अत्याचार के कारण बनते हैं, उनके लिए गुस्सा। इसमें मुझे हमेशा चेखव याद आता है उनके साथ। और मुझे और जैसा कि मैं जानता हूँ व्यक्तिगत स्तर पर भी, बातचीत में भी, कि वो चेखव से बहुत प्रभावित रहे हैं। चेखव में वो गुस्सा उस तरह का नहीं है, उनमें करुणा ज़्यादा है, इनमें गुस्सा ज़्यादा है, और गुस्सा व्यंग के रूप में होता है। पिछले 45 वर्षों से परसाई जी निरंतर लिख रहे हैं। उनकी पहली रचना 1947 में जबलपुर से प्रकाशित प्रहरी नामक साप्ताहिक पत्रिका में छपी थी, जिसका शीर्षक था नर्मदा के तट से। तब से आज तक उन्होंने सैकड़ों कहानियाँ, निबंध, लघु कथाएँ और स्तंभ लेख लिखे हैं। उनकी कुछ खास किताबें हैं हंसते हैं रोते हैं, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, सदाचार का ताबीज़, तिरछी रेखाएं और बेईमानी की परत। 1982 में परसाई जी को उनके व्यंग निबंध संग्रह विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया। हमें विशिष्ट सूत्रों से ये भी ज्ञात हुआ है कि भोला राम का जीव यानी आत्मा अभी तक लापता है। भोला राम का जीव कहाँ है? सर, सारा रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक है, मैंने चेक कर लिया है। 5 दिन हो गए भोला राम को मरे हुए, लेकिन उसकी आत्मा अभी तक यमलोक में नहीं पहुंची। दया निधान, मैं कैसे बताऊंगा कि क्या हो गया? मैंने कभी धोखा नहीं खाया, पर भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया और एक मामूली से आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। मेरी सावधानी में कोई कसर ना थी, पर इन अभ्यस्त हाथों ने अच्छे से अच्छी वकील को धोखा दिया है। पर इस बार तो कोई इंद्रजाल हो गया महाराज। महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस बात का बहुत चलन है कि राजनैतिक दलों के नेता विरोधी नेता का अपहरण कर लेते हैं। कहीं भोला राम के जीव को भी मृत्यु के बाद उसकी दुर्गति के लिए किसी ने अपहरण तो नहीं कर लिया? लगता है तुम्हारे रिटायर होने की उम्र हो गई है। भला भोला राम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना? नारायण नारायण, कहिए धर्मराज, कैसी चिंता में बैठे हैं? अब क्या बताएं नारद जी, ये हमारा डिपार्टमेंट। भोला राम नाम के आदमी की मृत्यु 5 दिन पहले हुई। उसके जीव को ये दूत यहां ला रहा था, उसका जीव इसे रास्ते में चकमा देकर कहीं भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला पर भोला राम का जीव से कहीं नहीं मिला। उस पर कहीं इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। इनकम होती तो टैक्स होता, भूख मरा था वो तो। तब तो मामला दिलचस्प है, मुझे उसका नाम पता तो बताइए, मैं पृथ्वी जाकर मालूम करता। जी, नाम भोला राम, पता धमापुर मोहल्ला जबलपुर, आयु 60 वर्ष। नारायण नारायण, भोला राम का घर यही है? जी हाँ। आप? मैं नारद हूँ, स्वर्ग लोक से भोला राम की आत्मा को तलाश करने के लिए आया। ओह, जय हो। आसन ग्रहण कीजिए। कैसे व्यक्ति थे भोला राम? अपने नाम के अनुरूप भोले ही थे। अच्छा। बहुत ही सज्जन, इसी मकान में रहा करते थे। अब इसमें उनकी विधवा है, 2 बेटे और 1 बेटी है। भोला राम को कोई बीमारी थी क्या? गरीबी ही उनकी बीमारी थी ये कह लें। सरकारी नौकर थे, 5 साल पहले रिटायर हुए थे, लेकिन अब तक उनकी पेंशन नहीं हुई थी। दिन रात अर्जियां लिखते, दफ्तरों के चक्कर लगाते,
लेकिन कुछ नहीं। अच्छा, मैं समझ गया। तो फिर मैं उनके दफ्तर की ओर ही प्रस्थान करता हूँ। हो सकता है महाराज कि आपके आगमन से ही इस परिवार का कुछ भला हो जाए। नारायण नारायण। पहले ही बता दूं जी। हाँ ठीक है सर। क्या जी? मैं वो स्वर्ग लोक से। विजिटिंग कार्ड? जी वो तो नहीं है। नहीं तो इसे मंदिर समझ रखा है क्या? धड़ाते हुए अंदर चले आ गए। नहीं अरे सर आपको नहीं कह रहा हूं मैं, कोई अंदर आया। हाँ एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अंदर आने से पहले टिक क्यों नहीं भेजी? कैसे भेजता? चपरासी तो बाहर सो रहा है। क्या काम? मैं भोलाराम की पेंशन के सिलसिले में आया। बोला हाँ मालिक, मैं आपको फोन करता हूँ जी, जब काम हो जाए। वैरागी मालूम पड़ते हैं दफ्तरों के सिस्टम से, मतलब रीति रिवाज की जानकारी आपको नहीं। दरअसल भोलाराम ने गलती की, ये भी एक मंदिर ही है, यहाँ पर भी दान पुण्य की जरूरत पड़ती है। आप भोलाराम के आत्मीय जान पड़ते हैं, भोलाराम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उनपे वजन रखिए। अरे नहीं नहीं ये नहीं, पेपर वेट नहीं, रियल वेट, रियल वेट। पेंशन का मामला फाइल बीसीओ दफ्तरों में जाती है, हर जगह एक ही बात की जाती है, उसके बाद केस पक्का होता है। अरे जितनी पेंशन नहीं मिलनी होती है उससे ज्यादा की सरकारी स्टेशनरी खर्च हो जाती है। फिर भी काम हो सकता है, मगर मैं कुछ समझा नहीं। नहीं समझे? जैसे कि आपकी वीणा, वीणा इसका वजन भी भोलाराम की फाइल पर रखा जा सकता है। मेरी बेटी गाना बजाना करती है, ये मैं उसे दे दूंगा। अरे वे साधु संतों की वीणा से मधुर स्वर तो निकलते ही है। और अब जरा जल्दी से भोलाराम की पेंशन के कागज निकाल। हाँ 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 एक साथ अभी हो जाता है काम। हाँ कपूर, अरे जरा ये भोलाराम की फाइल भिजवाना। हाँ जल्दी अर्जेंट। हाँ बस देखिए अभी आपका काम हो जाता, जल लेंगे। नहीं धन्यवाद। क्या नाम बताया आपने? भोलाराम। भोलाराम कौन कौन पुकार रहा है मुझे? भोलाराम, क्या तुम भोलाराम के जीव हो? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर हो गया? मैं नाराज हूं, मैं स्वर्गलोक से आया हूं, चलो तुम्हारा स्वर्गलोक में इंतजार हो रहा है। मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूं, यही मेरा मन लग गया है। मैं अपनी दरख्वास्तों को छोड़कर नहीं जा सकता। नहीं तो क्या व्यंग से क्रांति या सामाजिक बदलाव आता है? मेरा कहना यह है कि ये ललित साहित्य है जो हम लोग लिखते हैं, ललित साहित्य से कोई क्रांति या बदलाव नहीं आता। बदलाव आता है सैद्धांतिक साहित्य से, जिसके आधार पर फिर जन आंदोलन बनते हैं और वो जन आंदोलन समाज में परिवर्तन लाते हैं। महाराज हाँ। आपके मुख चंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए हैं? मुख चंद्र पर चिंता के मेघ? हाँ अरे वन प्रदेश में भेड़ों की सरकार बनने वाली है, हमारा राज हमसे छिन जाएगा। पर हमारे माई बाप तो आप हैं, हम तो आपका दिया खाते हैं सरकार। आप ही हमारी सरकार है मालिक। हाँ, नहीं अब भेड़ और भेड़िए को एक ही घाट से पानी पीना पड़ेगा। नहीं हाँ, मालिक हाँ, अगर पंचायत राज में हाँ, भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो कैसी आसमानी बातें करते हो तुम? नहीं हमारी जाति 10% और भेड़ों की 90% भला वो हमें क्यों चुनेंगे? अरे कहीं
जिंदगी भी अपने आप को मौत के हाथ सौंपती है। यकीन मत होइए सरकार, अपने आप को संभालिए, यकीन मानिए, एक दिन का समय दीजिए मुझे और योजना। उन्होंने जातक के वजन पर और उस शैली में जंतु कथाएं कह लीजिए या पशु कथाएं लिखी, जिसकी एक मिसाल है भेड़ और भेड़िए। जहां भारतीय लोकतंत्र पर तीखा व्यंग है कि बहुसंख्यक भेड़े अंततः जब मताधिकार मिलता है तो भेड़ियों को ही अपना प्रतिनिधि चुनती हैं, क्योंकि उन्हें यही समझाया जाता है कि कमज़ोर लोगों के लिए की हिफाजत ताकतवर लोग ही कर सकते हैं, और भेड़े भेड़ियों को अपना प्रतिनिधि चुनती हैं, और भेड़िए हैं कि प्रतिनिधि चुने जाने के बाद पहला कानून ये बनाते हैं कि सुबह के नाश्ते के लिए भेड़ का बच्चा और दोपहर भोजन के लिए एक पूरी भेड़, और रात को चूंकि कम खाना चाहिए इसलिए आधी भेड़ से काम चल जाएगा। ये एक ऐसी नई जातक कथा है आज की जिंदगी पर। ये कौन? सियार है सरकार। इनकी क्या दरकार? ये है रंगे सियार। हा? आपकी सेवा में हरदम तैयार, और आपके चुनाव में करेंगे धुआंधार प्रचार। ये पीले वाले विचारक है, कवि और लेखक है। ये नीले वाले नेता है, नेता स्वर्ग के एकमात्र पत्रकार। ये हरे वाले क्या कहिए सरकार, धर्म गुरु है, स्वर्ग का संगीत सुनाएंगे। कवि जी कुछ हो जाए सुनाइए। समझे सरकार? समझ में कैसे आएगा? अरे कवि की बड़ी बात सबकी समझ में आ जाए तो कवि ही कैसा। हमारा साहित्य क्या करता है? हमारा साहित्य करता है इस परिवर्तन की भूमिका बनाना। वो किस तरह से? कि हम लोगों की चेतना को जगाते हैं, उसे सचेत करते हैं कि तू ऐसा है। जो पाठक पढ़ेगा उसे दिखेगा कि ये तो मेरी तस्वीर है, मैं ही ऐसा हूँ। इस तरह से आज साक्षात्कार करता है समाज हमारे लेखन से, और बदलाव के की इच्छा उसके भीतर उठती है। तो हमारा साहित्य केवल इतना करता है कि चेतना को जगाता है और बदलाव की भूमिका पैदा करता है, लोगों में उसकी इच्छा पैदा करता है। फॉर्मल एजुकेशन है जो दी जाती है स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में, वो तो पाठ्यक्रम पढ़ाती है, उसके अलावा तो कुछ नहीं। असल में इसके साथ साथ एक प्रगतिशील दृष्टिकोण सिखाना चाहिए। उसी प्रसंग में वैज्ञानिक दृष्टि देना चाहिए, तार्किकता देना चाहिए, अंधविश्वासों को मिटाना चाहिए। अध्यापकों को ही पढ़ाते पढ़ाते उसी दौरान, अलग से नहीं। लेकिन हमारे अध्यापकों का ये हाल है कि साइंस के प्रोफेसर हैं, डॉक्टर ऑफ साइंस हैं, वो लेबॉरेटरी में तो साइंटिफिक हैं और लेबॉरेटरी के बाहर अनसाइंटिफिक हैं। थोड़े बहुत लाभ के लिए इस बाबा के पास जाते हैं, उस मंदिर जाते हैं, ये अनुष्ठान करते हैं, वो करते हैं। अपने मित्रों में स्वामी जी कहे जाने वाले परसाई जी के व्यक्तित्व की अनेक विशेषताएं हैं। खुद अविवाहित रहे लेकिन परिवार की सारी जिम्मेदारियों और खुशियों को पूरी ईमानदारी से वे आज भी बांट रहे हैं। अपनी बहन और उनके बच्चे और उनके भी बच्चों के बीच वे एक पिता भी हैं, एक भाई भी और एक मित्र भी।
ची बाबा आनी देसरा